Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, इस वीडियो में हम implementation of डी मॉर्गन्स थ्योरम using basic gates like AND or AND NOT, ये तीनों basic gates का use करके हम डी मॉर्गन्स थ्योरम का implementation देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम second थ्योरम का implementation पार्ट देखेंगे। first थ्योरम के ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप first थ्योरम का implementation पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है, आप वहां से देख सकते हैं। यहां पर ट्रूथ टेबल बना हुआ है डी मॉर्गन्स थ्योरम के लिए। ये ट्रूथ टेबल किस तरह बनता है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डी मॉर्गन्स थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बेसिक चीजें बताई है, लाइक आईसीस कैसे कनेक्ट करते हैं, एलईडी कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सभी बेसिक चीजें उस वीडियो में मैंने डीपली बताया है। तो आप लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन देखने से पहले एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जरूर देखिए, उन तीनों वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम इम्प्लीमेंटेशन। थ्योरम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, मीन्स इसके अंदर हमें आईसी कितने रिक्वायर्ड होंगे। पहला ये प्लस का साइन है, मीन्स हमें एक और आईसी रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे डॉट है, मीन्स एंड आईसी रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स हमें नॉट, मीन्स एंड और नॉट, ये तीनों आईसी हमें चाहिए रहेंगे। सो हमारे पास ये तीनों आईसी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये नॉट है आईसी 7404, 7408 एंड 7432। और उसके बाद हमें दो एलईडी रिक्वायर्ड होंगे। दो एलईडी के अलावा हमारे पास एक डीसी पावर सप्लाई होना चाहिए। डीसी पावर सप्लाई के अलावा हमारे पास कुछ जंपिंग वायर्स होने चाहिए। अगर आपके पास जंपिंग वायर्स नहीं है, कनेक्टिंग वायर्स है तो भी चलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों आईसी को ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमें और आईसी कनेक्ट करना होगा, और गेट की आईसी, क्योंकि ए प्लस बी है। सो आईसी 7432 को मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं। ये हो गया और गेट। एंड उसके बाद नॉट गेट आईसी 7404, ये हो गया नॉट गेट। एंड नॉट गेट के बाद लास्ट में हमें एंड गेट यहां पे कनेक्ट करना है। सो ये एंड गेट भी मैंने कनेक्ट कर दिया हूं। ये आईसी को किस तरह कनेक्ट करते हैं, ये सभी चीजें मैंने एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट के वीडियो में बताया है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए इस वीडियो को देखने से पहले। अब ये तीनों आईसी का ग्राउंड कनेक्शन एंड वीसीसी कनेक्शन करना है। सो मैं ग्राउंड कनेक्शन एंड वीसीसी कनेक्शन कर देता हूं। सबसे पहले तीनों का वीसीसी कर देता हूं। ये सब किस तरह करते हैं, ये सभी बेसिक चीजें मैंने एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट के वीडियो में सब बताया है। सो ये हो गया वीसीसी का कनेक्शन। अब तीनों आईसी का ग्राउंड कनेक्शन कर देते हैं। ग्राउंड कनेक्शन मीन्स सेवन टर्मिनल, तीनों आईसी का जो सेवन टर्मिनल है उसे हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना है। सो ये हो गया ग्राउंड कनेक्शन, तीनों का ग्राउंड कनेक्शन हो गया एंड तीनों का वीसीसी कनेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए एंड बी इनपुट देंगे। इनपुट हमें देना किसे है, और गेट को, क्योंकि यहां पे ए प्लस बी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन है वो हमारा सपोज ए है, और ये जो ब्लू है वो सपोज बी है। तो हमने ग्रीन को फर्स्ट टर्मिनल पे कनेक्ट किया एंड ब्लू को सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट किया। सो हमने अभी तक क्या किया है, ए प्लस बी। अब हमें ए प्लस बी चाहिए, हमने ए और बी इनपुट दे दिया है, अब हमें ए प्लस बी चाहिए। सो ए प्लस बी हमें कहां से आएगा, और गेट का थर्ड टर्मिनल, और गेट के थर्ड टर्मिनल से हमें ए प्लस बी मिलेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल को इनपुट दिया था। अगर हम फोर्थ और फिफ्थ को देते तो हमें सिक्स टर्मिनल से आउटपुट आता। तो हमें जो आउटपुट आएगा इसका वो हमें मिलेगा थर्ड टर्मिनल से। सो थर्ड टर्मिनल से हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी। हमें चाहिए क्या,
ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, हमें ये जो येलो वाला वायर है मीन्स थर्ड टर्मिनल से जो हमें आउटपुट मिला है वो ए प्लस बी है, हमें ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हमें इसे नॉट गेट से कनेक्ट करना होगा। सो नॉट गेट के अगर हम फर्स्ट टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट हमें सेकेंड टर्मिनल से आएगा। सो इसका आउटपुट इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे हम एक एलईडी कनेक्ट करेंगे। एलईडी किस तरह ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करते हैं ये सभी चीजें मैंने बेसिक चीजें एंड गेट और गेट एंड नॉट गेट की वीडियो में बताया है। इसके अंदर एक एनोड एंड कैथोड होता है। सो एनोड को आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं ये सेकेंड से, ये हो गया एलईडी का कनेक्शन। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें राइट हैंड साइड का पार्ट डिजाइन करना है। सो राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमें कैसे मिलेगा, ए हमने फर्स्ट टर्मिनल को दिया था। सो फर्स्ट टर्मिनल से हम ए को लेंगे एंड हम इसे नॉट गेट को सप्लाई करेंगे। नॉट गेट के थर्ड टर्मिनल को हम इसे कनेक्ट करेंगे। नॉट गेट को थर्ड टर्मिनल से हमने ए को कनेक्ट किया। सो फोर्थ टर्मिनल से हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। सो ये फोर्थ टर्मिनल से ये जो येलो वाला वायर है ये हमें ए कॉम्प्लीमेंट देगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया है। अब हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी हमने सेकेंड टर्मिनल को दिया था, तो सेकेंड टर्मिनल से हमने एक वायर लिया एंड इसे नॉट गेट के फिफ्थ टर्मिनल में कनेक्ट किया। ये जो नॉट गेट का फिफ्थ टर्मिनल है यहां पर हम इसे कनेक्ट करेंगे। फिफ्थ टर्मिनल में कनेक्ट करने के बाद इसका जो आउटपुट आएगा वो सिक्स टर्मिनल से आएगा। सो इसका आउटपुट हम सिक्स टर्मिनल से ले लेंगे। सो अब हमें ये जो ऑरेंज वायर है ये बी कॉम्प्लीमेंट है। हमें करना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को एंड गेट को इनपुट देना है। जो भी हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मिला है इसे एंड गेट को इनपुट देना है। सो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ये येलो वाला था, तो इसे एंड गेट के फर्स्ट टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया एंड ये बी को हमने सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट किया। हम चाहे तो फोर्थ एंड फिफ्थ को कनेक्ट करके सिक्स से आउटपुट ले सकते हैं। हमने फर्स्ट एंड सेकेंड को कनेक्ट किया तो हमें आउटपुट जो आएगा वो थर्ड टर्मिनल से आएगा। आउटपुट इंडिकेट करने के लिए हम यहां पर एक एलईडी कनेक्ट करेंगे जो आउटपुट इंडिकेट करेगा। एलईडी भी कनेक्ट हो गई। अब हमें एक पावर सप्लाई से इसे कनेक्ट करना है। सो पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए हम दो वायर का यूज करेंगे। एक वायर को ये वीसीसी का जो रो है उसके अंदर कनेक्ट करेंगे और इस वायर का जो सेकेंड टर्मिनल है मीन जो सेकेंड एंड है उसे हम डीसी पावर के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। देखिए हमने क्या किया, वीसीसी के रो में इस वायर को कनेक्ट किया और इसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं पावर सप्लाई के। उसके बाद फिर एक वायर हम ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे और इसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अब देखिए इस ट्रूथ टेबल में ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट किधर है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ये नाइन्थ कॉलम है एंड ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ये टेंथ कॉलम है। सो अगर हम वन वन इनपुट देते हैं, वन वन इनपुट मींस हमें इसे यहां पे कनेक्ट करना होगा वीसीसी में। ये देखिए हमने वन वन इनपुट दिया, सो एलईडी ऑफ हो गई, क्योंकि वन वन जब हम इनपुट दे रहे हैं तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो जीरो जीरो है, मींस एलईडी ऑफ रहेगी। अगर हम इनपुट जीरो जीरो दे तो आउटपुट वन वन आएगा, मींस एलईडी ऑन रहेगी। चलिए देखते हैं इसे जीरो जीरो देकर।
देखिए हमने 00 दिया तो एलईडी ऑन है, उसी तरह अगर हम 01 देंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि 01 का आउटपुट 00 है, मींस दोनों एलईडी ऑफ रहेगी। उसी तरह अगर हम 10 देंगे तो भी एलईडी ऑफ रहेगी। सो दोस्तों, ये था डी मॉर्गन्स थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको वीडियो समझा है प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।